कॉर्नर्स किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं इमली और पुदीने की चटनी। इमली पुदीना चटनी बनाने के लिए मैंने एक कप जो है इमली पहले पानी में भिगो के रख ली थी एक घंटे के लिए। अब ये अच्छी तरह से घुल गई है, इसको हम छान लेंगे और इसका सारा पल्प निकाल देंगे। ये हमने अच्छी तरह से निचोड़ ली है और इसका सारा पल्प हमने निकाल दिया। अब हम एक जार में एक कप धनिया डाल लेंगे, हरा धनिया बारीक काटा हुआ है, मैंने डंडी के साथ ही लिया हुआ है, और साथ ही एक कप जो है हम पुदीना डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से धो के रख लिया हुआ है। अब डालेंगे इसमें हम व्रत वाला नमक, मैंने इसमें एक टीस्पून डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून जो है धनिया पाउडर, और साथ ही डाल देंगे मिर्ची, मैंने 2 मिर्ची ली हुई है। आप अगर तीखा खाना पसंद करते हो तो आप ज्यादा हरी मिर्ची ले सकते हो। अब इसमें हम 1/2 कप जो है गुड़ डाल देंगे, मैंने गुड़ बारीक बारीक काट लिया हुआ है, इसको हम डाल देंगे। गुड़ आप तभी डालें अगर आप मीठी चटनी खाना पसंद करते हैं, वरना गुड़ मत डालें। अब इसमें हम इमली का पल्प डाल देंगे। अब हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। हमारी व्रत वाली चटनी बनके तैयार हो चुकी है। अब इसको हम सर्विंग बोल में निकालेंगे। इसको हम व्रत के खाने के साथ अपने सर्व कर सकते हैं। आप इसे कुट्टू के आटे के पकौड़े, टिक्की, आलू वगैरह के साथ सर्व कर सकते हो और उनका टेस्ट जो है दुगना हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।